एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से, क्योंकि अभी टाइम 12 बज चुके हैं और मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के 12 बजे से, क्योंकि मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। जल्दी जल्दी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, पीहू को स्कूल भेजा और बस फिर थोड़ा सा वीडियो एडिट करना था। एक वीडियो बना रही थी मैं, तो वो थोड़ा बहुत एडिट किया तो उसके चलते मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। और आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है 12:05 से, दोपहर के 12:05 से। तो बस मैंने सोचा चलो पहले सबसे पहले आपका वेलकम कर देती हूँ और फिर अपने लंच की तैयारी करती हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं अब लंच बनाऊँगी और लंच में आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो मैं किस तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ आज मैं पहली बार आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए फिर जल्दी से चलते हैं किचन में और फिर देखते हैं कि भिंडी की सब्ज़ी मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने अपना चॉपिंग बोर्ड उठाया है। सारी भिंडियों को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे से काट लूँगी और फिर जितने छोटे आपको जैसा पीस चाहिए वैसे आप काट लीजिए। आपको बड़ा पसंद है भिंडी का पीस तो आप बड़ा भी काट सकते हैं। मुझे छोटे छोटे पीस पसंद है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से करारे हो जाते हैं। मैं करारी चटपटी भिंडी बना रही हूँ, तो देखिए। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। और आगे बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स प्लान कर रही हूँ। तो बस फिर मैंने भिंडी को ऐसे चॉप कर लिया है और फिर मैं एक प्याज डालूंगी इसमें, क्योंकि ज़्यादा भिंडी नहीं है इसलिए सिर्फ एक प्याज डालूंगी। अगर आपकी ज़्यादा भिंडी, आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो आप प्याज ज़्यादा डालिए, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो मैं इस तरह से प्याज और भिंडी को कट कर लूँगी। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मेरा तेल गर्म हो गया है। मैं ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी अपने आपको व्लॉग्स में बताया है। अब मैं देख ले रही हूँ कि मेरा तेल गरम है तो मैं इसमें प्याज और भिंडी साथ में ही डाल दूंगी। आप चाहें तो पहले आप प्याज फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आज दोनों चीज़ एक साथ ही डाल रही हूँ। और फिर उसमें कुछ सूखे मसाले डालूंगी जिसमें नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर होगा। जब वो थोड़ा सा भुन जाएगा तब मैं उसमें डालूंगी अमचूर पाउडर। और आज मैं इसमें थोड़ा सा बेसन भी डालूंगी, क्योंकि मैं करारी भिंडी में बेसन डालती हूँ जो कि बहुत ही सौंधापन देता है। अगर आप नहीं डालते हैं तो आप एक बार ज़रूर डाल के ट्राई करिएगा, वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, उसमें सौंधा सौंधा सा पन आता है। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई करिएगा और फिर अपने एक्सपीरियंस में ऐसा ज़रूर शेयर करिएगा। तो हमारी भिंडी की सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब मैं इसको ढक दूंगी और मैंने कुकर को सीटी लगा दी है, उसमें मेरी दाल है। तो बस फिर मैं जल्दी से लंच करके आपसे मिलती हूँ। और मेरे लंच में आज है भिंडी की सब्ज़ी, हरी मूंग की दाल, रोटी और बुकनू। तो आइए आप भी हमारे साथ लंच कर लीजिए। चलिए मैं अब आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और अभी टाइम हो रहा है शाम का 6:00 और अभी बारिश नहीं हो रही है, तो मैं पीहू को लेकर के नीचे आई हूँ थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। तो मैं यहाँ से नींबू, बैंगन, टमाटो और गोभी ले रही हूँ और फिर इसके बाद मैं आगे जाऊँगी फ्रूट शॉप पे। तो ये देखिए पीहू जा रही हैं और फ्रूट शॉप से मैंने बनाना लिया है और कुछ मैंगो, क्योंकि यहाँ मुंबई में मैंगो बहुत ज़्यादा महंगा है। आपके सिटी में मैंगो क्या रेट चल रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुंबई में तो मैंगो बहुत ज़्यादा महंगा है, यहाँ पे 100 रुपए के कुछ 3-4 पीस मिलते हैं। तो मैंने यहाँ से बनाना ले लिया है और अब हम आगे शॉप पे जाएंगे, क्योंकि अब सावन कल से स्टार्ट होने वाले हैं तो मैं सावन की तैयारी कर रही हूँ। सावन की तैयारी में चलिए मैं देखती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लूँगी। तो मैं आ गई हूँ अब एक कॉस्मेटिक शॉप पर जो कि मेरे घर के बहुत ही पास में है। तो बस ये देखिए पीहू आपके सामने यहाँ शॉप पे चढ़ रही है और अब मैं यहाँ से क्या क्या लेती हूँ वो मैं आपको घर चल के ज़रूर दिखाती हूँ। No.
अभी हम लोग वापस आ गए हैं और पीहू बहुत खुश है क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें ली हैं। तो मैं चलिए आपको ऊपर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है पीहू के लिए और अपने लिए, क्योंकि कल से सावन स्टार्ट है और सावन में तो बच्चों को भी तैयार करना चाहिए, आपको भी तैयार होना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। और मौसम अभी अच्छा हो रहा है, धीमी धीमी थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही हैं। तो चलिए मैं ऊपर चल के आपसे मिलती हूँ। तो मैं ये सारा सामान एडजस्ट कर दूंगी। और आज जो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी वो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी, तो मैं थोड़ी सी भिंडी और लेकर के आई हूँ क्योंकि वो बोल रहे थे कि नेक्स्ट टाइम फिर से भिंडी बनाना। तो बस मैं ये सारा सामान सेट करके रख दूंगी। और ये है पीहू की नोटबुक, और क्योंकि इनके स्कूल में बोला गया था कि आप कुछ नोटबुक ला दीजिएगा, एक मैथ की और एक इंग्लिश की, तो मैं वही ले करके आई हूँ। और ये सब मैं इनको सेट कर दूंगी। और ये मेरे हस्बैंड के लिए मैं पेन और एक स्केल लेकर के आई हूँ क्योंकि उनको कुछ ज़रूरत था, पेन उनकी कुछ ख़राब हो गई थी तो उन्होंने बोला कि मेरे को एक पेन चाहिए, तो मैं उनके लिए एक पेन और स्केल और ये पीहू की कॉपी नोटबुक लेकर के आई हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं लेकर के आई हूँ, लेकिन बस थोड़ा बहुत सामान जो मैं लेके आई हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला ये मैंने पीहू के लिए छोटी छोटी चूड़ियाँ ली हैं, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा था कि पीहू को वो जो आंटी थी, वो दीदी थी जो वहाँ पर चूड़ी पहना के दिखा रही थी, वो थोड़ा बड़ा साइज़ था तो फिर मैंने उसको नहीं लिया। फिर उससे थोड़ा छोटा ये साइज़ है, ग्रीनिश, थोड़ा ब्लूइश ग्रीन कलर है, बट पीहू के हाथ में बहुत सुंदर और क्यूट लग रहा था। तो सावन था तो मैंने सोचा चलो एक पीहू के लिए ये चूड़ियाँ ले लेती हूँ। और एक मैंने लिया है मेहंदी का कोन, क्योंकि सावन है तो मैं शगुन करूँगी, पीहू के भी हाथ में मेहंदी लगाऊँगी और अपने हाथ में भी मेहंदी लगाऊँगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने कैसी डिज़ाइन लगाई है तो फिर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने अपने लिए कांच की चूड़ियाँ ली हैं ग्रीन कलर की, क्योंकि सावन है और सावन में ग्रीन कलर चूड़ियाँ पहनती हूँ। मैं कड़े देख रही थी क्योंकि मोस्टली मैं बैंगल्स ही पहनती हूँ, कड़े वाले बैंगल, मतलब जो मोटे वाले होते हैं, तो अभी मैंने ये बैंगल पहना है। अब मैं इसको चेंज करके ये चूड़ियाँ पहनूंगी ग्रीन कलर की। तो ये मैंने प्लेन इसलिए लिया है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से अभी प्लेन चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, और ज़्यादा इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं चूड़ियाँ बहुत मतलब कम पहन पाती हूँ, बैंगल्स ही ज़्यादातर मोटे वाले कड़े पहनती हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये थोड़ी सी चूड़ियाँ ही ली हैं। इनको मैं कल पहनूंगी सावन पे। और मैंने लिया है ये बहुत ही सुंदर से क्यूट से इयररिंग्स, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है। इसको मैंने रेड कलर पे लिया है जिससे कि मैं इसको अपने सूट और साड़ियों में वेयर कर सकूँ, तो इसलिए ये मैंने छोटे छोटे इयररिंग्स ले लिए हैं, मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे ये देखिए। तो बस फिर मैंने ये भी ले लिया। और तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि क्या क्या सब्जी भाजी मैं लेकर के आई हूँ, फ्रूट्स लेकर के आई हूँ। पीहू की दो कॉपियाँ नोटबुक थी और एक मेरे हस्बैंड का पेन था और स्केल था, तो ये सब सारा सामान मैं लेकर के आई। और सावन की तैयारी में बस मैं इतना ही लेकर के आई हूँ, तो बस इतना ही था। तो आई होप आपको मेरा ये थोड़ा सा सामान जो मैं लेके आई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोग अपनी बातें भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर ये सब मैं अब सामान सेट कर देती हूँ और फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी मेरे हस्बैंड का कुछ पार्सल आया है, उन्होंने अपना कुछ प्रोटीन शेक वेक मंगाया था ऑनलाइन, तो वो अभी आ चुका है और वो इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था, उन्होंने ऑर्डर किया था और आने में काफ़ी टाइम लग गया, तो बस ये उसको ओपन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी ये मैं शेयर कर देती हूँ।
आज का व्लॉग अब मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। बहुत ही छोटा सा व्लॉग था सावन की तैयारी का, कि मैं किस तरह से अपने सावन की तैयारी कर रही हूँ। और आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। और मैंने भिंडी की रेसिपी आपके साथ शेयर करी है कि मैं कैसे चटपटी मसाला भिंडी बनाती हूँ, तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। और बस, तो फिर ये व्लॉग मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक और अपने इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। और हाँ, आप सबको सावन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके बच्चे को, आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां आए और इसी तरह आप लोग खुश रहिए। तो बस, फिर इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। मिलती हूँ आपको मैं अपने अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।